नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और साडे चैनल च एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। अज असी बड़ी खास जगह पहुंचे हैं। अज असी पहुंचे हैं फोकल पॉइंट दे बिल्कुल सामने खान नर्सरी च, और उहदे ओनर जिहड़े ने मारूफ खान मेरे नाल इस वेले मौजूद ने। मारूफ खान जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल च। सत श्री अकाल जी, सारे स्वागत। और मारूफ खान जी, एक गल मैं जाननी चाहांगा कि तुसी नर्सरी खोली है, और दर्शकों एरिया जिहड़ा है वह बड़ा वड्डा है इहनां दा। आपां इत्थों शुरुआत करांगे, जाणांगे कि किस तरह ते कदों तो इन्होंने नर्सरी खोली है, और किन्नी वैरायटीज जिहड़ी है वह बूटियां दी या हर चीज़ की इन्हां कोल हैगी है। खान साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि तुसी कित्थे दे रहण वाले? यूपी जी, लखनऊ, उन्नाव जिला जी। उन्नाव जिला, हाँ जी, लखनऊ दे रहण वाले ने। और जे आपां पटियाले की गल करिए, हाँ जी हाँ जी, इत्थे तुसी आए हो लखनऊ तो, किस तरह ये आइडिया आया जिहड़ा ये तुहाडा नर्सरी का काम है? ये तुहाडा पुश्तैनी चलता आ रहा है या तुसी खास तरह की कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, ये तो मेरा पुश्तैनी काम है जी, कम से कम 20 साल से असी करते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। परिवार चो पहला कोई करदा सी? डैडी करते थे जी। डैडी करते? हाँ जी। लखनऊ दे विच ही? नहीं, यहीं पे अपने पंजाब में कम से कम 20, मतलब मैं तो 20 साल से अपने कर रहा हूँ, डैडी मेरे कम से कम 40-50 साल से काम ही कर रहे हैं। मतलब जे गल करिए पुश्तैनी काम है, 50 साल पुराना। हाँ जी। नर्सरी का, हाँ जी, इन्हों का काम है जिहड़ा वो चलता आ रहा है। और किन्नियां वैरायटीयां जिहड़ियां तुसी रखियां होईयां? वैरायटी जी कम से कम 400-500 है जी। 400-500? हाँ जी। वैरायटीज जिहड़ियां, हाँ जी, तुसी रखियां होईयां, और बहुत सारियां गल्लां दर्शकों करांगे। और एक टाइम ऐसा सी खान साहब के जदों कुछ एक लोगों को शौक हुंदा सी कि यार फलाना कोई बूटा लाना है गुलाब का या ओह, लेकिन अज का जिहड़ा दौर है, जिदा का अपना क्लाइमेट सारा बनता जा रहा, हर बंदा चाहता दरख्त लाइए, हर बंदा चाहता है कि घर के 200-400 जिते भी थां मिलती है, बेशक अपने को कच्ची जमीन नहीं है, आप गमलिया ही हाईब्रिड बूटे लाइए, की कहना चाहोगे? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल लगाओ जी, ऑक्सीजन प्लांट होते हैं जी, बीमारियां भी दूर रहती है जी, सारा कुछ अपना फायदा ही है इसमें तो। और पेट दी बीमारियां, शुगर दी बीमारियां, अलग अलग हवा जिहड़ी है तुहानू स्वच्छ मिलदी है जे तुसी खास तरह दे कुछ बूटे उते लाए हो। हां जी, ठंडी हवा, मतलब कि बीमारी भी नहीं होती है, और बढ़िया रहता है, मतलब घर पे प्लांट ग्रीन रहता है, अच्छा लगता है। अपना टाइम ड्यूटी से आया, निकाल के बैठ गए जी, हाँ, आराम से अपने मतलब आराम कर रहे, बढ़िया रहता है वैसे, और सेहत नु बड़ा बढ़िया रहता है। बंदा मजबूरन कहंदे ना जिवें एक्सरसाइज लाना जुड़ना है, जे आपां जिम जाना होवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਇਹ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਬੀਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੌਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਗਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਲਗਾਓ ਚਾਹੇ ਗਮਲੇ ਮੇ ਲਗਾਓ, ਬੜੀਆ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆ ਰਹਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਏਗਾ, ਘਰ ਪੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਓ, ਅੱਛਾ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ? ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਚਿਟਿਕੋਮਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਬੇਲ? ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀਆ। अच्छा, अच्छी लगेगी। इनू गमले च रखना चाहो, हाँ, तो भी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, जे तुसी इहदी लंबाई रखना चाहो वो तो ताई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अगे आ जाने आपां। हाँ जी, एक इस चीज दा जेड़े बूटे ने ये जी, जीनिया प्लांट है जी। अच्छा, इहदा की बेनिफिट कुछ? मतलब डेकोरेशन के लिए जी। हाँ जी, डेकोरेशन पत्ते जी बढ़िया है। अगे आ जाइए, लाल होते जी। अच्छा, ये भी इस तरह दा ही प्लांट है? हाँ जी। अमरूद दे बूटे दी मैं खास तौर ते जानकारी चाहांगा के एक बूटा हुंदा है अमरूद दा जिहड़ा कि काफी फैलदा, उहदी जड़ां बहुत हुंदियां, एक हाईब्रिड बूटा हुंदा है, और जिहड़ा उहदा टेस्ट है वो एक दा हुंदा ना अमरूद, बिल्कुल पत्थर वर्गा हो जांदा है। मैं दर्शकां नूं दसना चाहांगा, एक अमरूद हुंदा बिल्कुल पोला रहिंदा है, जिहड़ा आपां बाजारां च लैंदे, कीड़ा नहीं पैंदा, या फिर उहनूं गमले च भी लगाया जा सकदा। कुछ कहना चाहोगे?
ये जी ताइवान वैरायटी है। अच्छा। सबसे बढ़िया ये ड्वार्फ वाली, इसमें देखो ये भी फल है। ये देखो एक पेड़ में कम से कम 50 पीस लगे, अभी इसकी 1 फुट हाइट है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा खान साहब, मैं जानना चाहूंगा जी, मैं कैमरा मैन कहूंगा कि तुसी इत्थे दिखाओ कि आ देखो किन्ना वधिया इत्थे इहदा व्यू आ रहा है। हाँ जी, ये बूटे दा। अच्छा खान साहब, हाँ जी, अज जे मान लो आपां बूटा इत्थों लैके जांदे आ, हाँ जी, इहनूं थोड़े जिहे वड्डे गमले च तां रखणा ही पवेगा, मतलब कि 20 इंची गमला वो बढ़िया चलेगा, इतना ज्यादा बड़ा भी गमला डॉर्फ वाला है। हाँ। इसकी ज्यादा जड़े नहीं होती। ऊंचाई कितनी होगी लगभग? इसकी ऊंचाई बस अपनी ऊंचाई की गल करिए 5-6 फुट होएगी जी। 5 या 6 फुट? हाँ जी, वध तो वध। हाँ जी, ते गमले च लग जाएगा। कितनी देर बाद जे आपां घरे लैके जांदे आ तां इहदे ते अपना फल आना शुरू हो जाए? फल तो जी वैसे तो ये भी 4 महीने का बूटा है, 4 महीने में ये फल आ चुका है इतना। अच्छा जी। हाँ जी, ये मतलब कि 2 साल में बढ़िया अच्छा ग्रोथ हो जाएगी, फल भी बहुत देगा। और जिस तरह खान साहब जेड़ा सानू बूटे दिखा रहे, खान साहब होर बढ़िया चीजा ने, इनू विद्या पढ़ाई किया जांदा है? हाँ जी, हाँ जी, किताबा च रखते होंगे। हाँ जी, आपा भी पढ़ने जाते थे जी इसको, किताबा में बहुत रखते थे। बढ़िया होता है, मतलब अच्छा होता है पेड़ ये। ग्रीन भी रहता है नाले, खूबसूरत भी लगता। अच्छा, बहुत बड़ा नहीं होता? नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं होता। गमले चला लो? नहीं नहीं। अच्छा, ए, 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 एक ही चीज है ये जी, रिक्सोना पाम है जी ये देखो। अच्छा जी, एकदम बढ़िया वैरायटी होती है। हाँ। नाले गमले में लगा सकते हो, जमीन में भी लगा जमीन सकते भी हो। लगा हाँ जी, बहुत ही जड़ नहीं, गमले में ज्यादा जड़ नहीं होगी। बूटा भी चक के दिखाओ जरा। ये जी ट्रोक्सीना है जी। क्या है दोबारा बोलो? ट्रोक्सीना। अच्छा, ए, 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 किस तरह? ये जी डेकोरेशन के लिए गमले में लगेगा जी। अच्छा, जिस तरह का एदा मैं टेक्सचर देख रहे हैं। हाँ जी, जमीन च भी लग सकदा है? गमले च? हाँ जी, हाँ जी, गमले में ज्यादा हाइट नहीं होगी, जमीन च थोड़ी हो जाएगी जमीन। ये गोल्डन साइप्रस है जी, अपना बहुत बढ़िया बूटा होता है, इंडोर भी लग जाता है, अपने अंदर लगा सकते हैं, बाहर भी लगा अच्छा, सकते हैं। इस वेले दी हाइट बढ़िया है, उम्र इस वेले कितनी है? ये जी होएगा 1 साल का होएगा बूटा। 1 साल का बूटा? हाँ जी। ते एदी जे आप जमीन चलाइए तो कितनी ऊंचाई एदी होएगी? ये हो जाएगा 10-12 फुट। 10-12 फुट दा? हाँ जी। ते जे नु गमले च रखांगे? गमले च बस रहेगा 4-5। अच्छा, ये खूबसूरती वास्ते है, कोई आयुर्वेदिक या और बेनिफिट भी? आयुर्वेदिक तो नहीं, वैसे खूबसूरती होती है, मतलब कि गोल्डन साइप्रस अच्छा लगता है। और तुसी, मैं कैमरा मैन कहूंगा कि चारे पासे एक बार कैमरा मार के दिखाओ कि कितना वधिया देखो खान साहब ने यह बना रखे है, और जड़ी जड़ी चीजा नु जरूरत है उपर भी मैं कहूंगा कैमरा मार के दिखाओ कि किस तरह ग्रीन जड़ी है वह छत इन्होंने पा रखी है के जड़े बूटियां नू नहीं जरूरत। खान साहब, ये छत दा की हुंदा है आइडिया? ये जी सेड इसके लिए लगाते हैं जो मतलब कि जो अंदर वास्ते बूटे हो, अंदर मतलब छांव में रहते हैं जो, उसके लिए लगाते हैं, खराब नहीं होते हैं स्पेशली। हाँ जी, अगर हर एक बूटे नू छत दी जरूरत नहीं होती? नहीं, हर एक बूटे को नहीं होती, जो अंदर वास्ते हैं जी उसी को जरूरत होती है। हाँ, कुछ एक बूटे जड़े, कुछ बूटे जो हैं जैसे अपने पत्ते वाले नहीं करते। हाँ जी, पत्ते वाले जो हैं वही धूप में नहीं चलेंगे, सेड इसीलिए लगाते हैं। वाह वाह। एक होर खान साहब, चक्के दिखाओ माड़ा जा, मनी प्लांट। और अपने जे आप गल करिए भारत की, तो मनी प्लांट जड़ा है वो भी बहुत मात्रा च लोग उगाते हैं जी। इसमें क्वालिटी बहुत होती है, अपने पास 4 क्वालिटी है जी। एक अच्छा। तो देखो जी ये बैरिकेटिंग हो गया, इसके अच्छा। डबल सेट के पत्ते होते हैं, नाले मतलब बेल भी बन जाएगी अच्छा। गमले में लग। मैं पहली बार देख रहे हैं। हाँ जी, ये डबल शेड वाला, मैं कैमरा मैन कहूंगा अच्छी तरह दिखाओ। अच्छा, इधर जो पत्ता है वो बड़ा होएगा क्या इतना ही रहेगा? बड़ा इसका पत्ता, इसका ब्रीक रहता है। अच्छा, तुसी गल कर रहे सी भी जे इनू गमले चलाओगे? ये मतलब गमले चलाओगे तो बढ़िया रहेगा, चाहे टोकरी में लगा दो अपने लटकाने वाली, हैंगिंग वाले में, किसी में लगा दो बढ़िया रहता है। मतलब इनू किसी तरह भी ला सकते हो? किसी तरह भी ला सकते हो। जमीन चलाओगे फिर ज्यादा? फिर तो ज्यादा ही हो जाएगा। जमीन च वैसे कम ही लगता है, लोग गमले में लगाते हैं। अच्छा, लोग या टोकरी में लगाते हैं के मनी प्लांट लाने नाल पैसा आंदा है, तन्नू भी कोई ऐसी जानकारी है? हां जी, होता है ऐसा, मतलब पुरानियां चलदी आ रही है गल्लां जी, मतलब पुराने, मतलब की जैसे आप पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं, फिर वही चीज आप भी विश्वास करते हैं ना हर एक चीज पे, ये चीज होता है। बहुत सारिया चीजा देखो खान साहब, ये बूटा मैं बड़ी जगह देखे, इहदे बारे कुछ दसोगे? ये क्रिसमस ट्री है जी, ये मतलब इंडोर होता है जी, इंडोर आउटडोर अपा बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट होता है, बढ़िया रहता है ये ऑक्सीजन प्लांट। हाँ जी, हाँ जी। ते जे एक अपना मान लो 10x15 का या 10x20 का हॉल हो, इस तो बड़ा हो, कि आप चारे तरफ ला सकते हैं अपना ऑक्सीजन रहे? ये जी बस जैसे 5-5 फुट पे लगा दो तो 4-5 बूटे लगेंगे जी। मतलब जे तुहाडे कोल घर छोटा भी है? हाँ जी। ते ओ तुसी अपना
दो या तीन भी ला लो तो सभी सेंटर है, बस बहुत है। एक एक कमरे च दो भी ला लो तो बहुत है। हां जी हां जी हां जी। तो जेड़ा छोटा कमरा एक ला ले ओ ओदा से एक ला लो ऑक्सीजन प्लांट है, मतलब इना इना की प्राइस है ये जी? आपको 200 रुपए पड़ेगा जी। जी गमला अलग तो गमला अलग होगा, रेट इसका 200 रुपए। गमला किस साइज का होगा तो कितने का होगा ये? 12 इंची होगा जी गमला। अपने पास मिट्टी वाले जो है वो थोड़े महंगे हैं, 100 रुपए के आसपास पड़ेंगे। हाँ। सीमेंट वाले 50 रुपए पड़ जाता है। इसमें भी दो रेट चार हैं अपने पास, साइज पे रेट इसका होता है। अच्छा। ये छोटा लोगे तो उसका पड़ेगा आपको 150 रुपए। अच्छा। फिर उससे छोटा है 100 रुपए का, साइज पे रेट इसका होता है जी। साइज पे फिर साइज तो अपने आप बढ़ जाता है बाद में। हाँ हाँ अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कोई को जैसे तुरंत तैयार करना होता है कि अपने नाल की नाल बढ़िया लगे तो उसके लिए ये बड़ा होता है। और जैसे छोटे लोग मतलब जैसे सोचते हैं कि पैसे पूछे का चक्कर कुछ पड़ जाता है कम बजट के वजह से, मतलब हर बजट से तुम्हारे को चीज मिल जाती है। हाँ जी हर बजट से बहुत सारा कुछ है। खान साहब कितनी तरह के तुम्हारे को वैरायटीयां ने, मैं वैसे ही जानना चाहूंगा। अपने जी 600-700 वैरायटी है वैसे। अच्छा हाँ जी। जिदे विच खास वैसे मैं अंदाज में बता रहा हूँ कि 600 है तो ज्यादा ही जी, ज्यादा ने। और एक चीज मैं कैमरा मैन कहूंगा, मैंने देख रहा है कि हैंगिंग से देखो। हाँ जी मनी प्लांट है जी, हैंगिंग मनी प्लांट जो हैंगिंग से ऐसे ही बन जाएगा जी बढ़िया। आप जैसे छोटा बूटा लगा सकते हैं तो 4 महीने में ऐसा बढ़िया बन जाएगा। अच्छा ये बूटे बारे में जानना चाहूंगा, अभी एक ही चीज है ये जी, अरिका पाम है। ये इंडोर प्लांट है जी, अंदर वास्ते अंदर वास्ते। हाँ जी ये भी ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट हाँ जी हाँ जी। ये लगभग कितने का पैंदा गमले समेत? ये गमले समेत जी 100 रुपए का है। गमले समेत छोटा गमले। हाँ जी हाँ जी। बहुत सारे दर्शक ने मैं लगता मैं भी पहली बार ये चीज खान साहब देखी है। ये देखो जी वाह, पीस लिली है जी, इंडोर वास्ते होता है। ये खान साहब सानू दिखा रहे ने, मैं कहूंगा क्लोज करके थोड़ा ज्यादा दृश्य जेड़ा वो दिखाया जावे। हाँ जी। खान साहब एक की चीज है ये जी, इसका बीज बनता है जी। अच्छा हाँ जी। नहीं बीज बनता है, मैं कह रहा भी एदा कोई आयुर्वेदिक बेनिफिट है? नहीं वैसे जी इन डेकोरेशन के लगाते हैं, आयुर्वेदिक तो कोई चक्कर नहीं है इसका। उतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं, नहीं जी। ओके। और ऑक्सीजन प्लांट होता एक है। आप बड़े पत्तियां वाले दो तीन बूटे ने, एक पीला साइज आ रहा है, एक और मैंनु दिख रहा है आप बड़े पत्तियां वाला, ये केड़ा बूटा है? डफन पेचिया है जी, इसको डफन पेचिया भी बोलते हैं, मतलब इंडोर। हाँ जी इंडोर होता है, इंडोर ऑक्सीजन प्लांट है। अच्छा ये भी ऑक्सीजन प्लांट है जी। ये कितने का पैंदा समेत गमला? ये समेत गमला जी 100 रुपए के आसपास पड़ेगा, मतलब लगभग। हाँ जी मतलब अफोर्डेबल है। हाँ जी हाँ जी, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। हाँ जी हाँ जी। ये पत्ते मैं देख रहे हैं, ये जी सप्रेला है ग्रीन। अच्छा ये भी मतलब बढ़िया रहता है घर के वास्ते, डेकोरेशन लिए अच्छा ही है। अच्छा अपा जब मतलब सस्ते बूटा है ये, कोई भी लगा सकता है इसको। वाह वाह हाँ जी क्या बात है। इस तो बूटे देखते देखते एक चीज नजर आई है, ये तुसी लोहे का रैक बनाया होया है, इससे जेड़े तुसी गमलियां च छोटे छोटे बूटे ला रखे हैं, इन्हें बारे थोड़ी जानकारी तो दियो जी। ये स्टैंड इसलिए है जी जैसे पानी पुनी ज्यादा ना हो। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ये अपना हो गया सैकुलेंट। हाँ सैकुलेंट की वैरायटी ऐसी है कि इसमें पानी कम पड़ता है जी, आप छोटे गमले भी लगा सकते हैं। हाँ। टेबल जिमे जिमे कैक्टस वगैरह। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने जिमे आप एलोवेरा यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने बूटियां वो क्योंकि रेतले इलाके च ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये अपना सैकुलेंट है, ये अपने यहाँ अच्छा चल जाता है। अच्छा ये जो बूटा देखो दसो कि खूबसूरत निका जहा बूटा लग रहा है। खान साहब मैं एक गल जाननी चाहूंगा, ये जो प्लांट है ये आपां नूं किन्ने च पैंदा? इहदे कोई वैसे कोई बेनिफिट ने के वैसे आपां इहनूं घरे लाईए? लक्की प्लांट है जैसे अपने घर पे शुभ होता है रखने से। अच्छा और हर बंदा लगा सकता है इसको? हर बंदा शुभ होता है मतलब कि इंडोर या आउटडोर? इंडोर लगता है जी, पानी कम पड़ता है इसमें। पानी मतलब जे आपां पानी पाना होवे। हां जी जे आपां मान लो अपने को लीटर दी बोतल है। हां जी इहनूं जिस भी गमले च ला रखा किन्ना पानी पाईए? बस एक लीटर मतलब एक लीटर से आधा ही लीटर दो। आधा लीटर तो भी कट दे दिया तो चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा हफ्ते च किन्ने बारी पानी इनू देना पड़ेगा? दो बारी पानी देना है बस। दो बारी? हाँ जी हाँ जी। मतलब आधे लीटर तो भी जेड़ा कट पानी है हफ्ते च दो बार, दो एक लीटर पानी एक हफ्ते का, मतलब तीन तीन दिन छड़ के। हाँ जी हाँ जी। मतलब यही होई गल? हाँ जी हाँ जी। तीन चार दिन बाद तुसी इनू पानी दियो बस। अच्छा एदी हाइट बारे मैं जानना चाहूंगा कि किन्नी को एदी जेड़ी हाइट हो जांदी है? ये जी 1 फुट हो जाती है जी, एकदम बढ़िया रहता है, मतलब पानी पूनी कम दो। ऑक्सीजन प्लांट में ये भी आ जाता है। एक चीज दसको देखने वाली है कि कुदरत ने सानू किन्ना कुछ दिता होया, कुछ गल्लां आपां होर भी बाद दे विच करांगे कि देखो किन्ना खूबसूरत बूटा है। खान साहब एक गल बड़ी मैनू अच्छी लगी है कि हर बूटे की अपनी एक खासियत है।
हाँ जी हाँ जी, अलग अलग है अपनी, मतलब कि हर एक दी एक एक जिमे कहंदे ना पर्सनालिटी अपनी अलग अलग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, खूबसूरत किस तरह दा है, किसी दा कुछ अच्छा है, हर बूटे दी अपनी क्वालिटी है। मेरा अपनी अपनी है। मेरा आज ये दिल कर रहा है कि जिन्ने भी बूटे खान साहब नु कहिए कि जी महीना लाओ ते सारे बूटे एक एक साडे घरे जिथे भी छत छुत ते जगह मिलदी है उथे सारे ला लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं जी, जब मर्जी ले जाओ जी। खान साहब बड़े दिल वाले बंदे। अच्छा खान साहब, ये बारे तुसी गल कीती है, बड़ा अच्छा लग्या। एक एक बूटा मैं होर कहूँगा, ये भी इस तरह ही है जिहड़ा उहदे च हुंदा है। दोनों फड़ा दिओ मैनू, एक आ दूसरा फड़ा दिओ कैक्टस वर्गा। हाँ ये देखो, अमूमन तुसी देखोगे कि रेतले इलाके च ये चीज़ां तुहानूं देखण नूं मिलणगियां, और वाह कमाल है, खूबसूरती देखो हर चीज़ की वधिया। और ये चीज़ ये वीडियो देख के तुहाडा भी मन करेगा कि खान साहब कोल जाइए और जाके असी जिहड़े है बूटे लैके आईए। जिस तरह खान साहब ने दस्सिया, बड़ी वधिया गल है कि रीजनेबल रेट्स से जिहड़ा चीज़ दिंदे ने, और जदों आपां लैण आने आ किसी ने 10 या 20 या 30 लैने आ, उह फिर एडजस्टमेंट भी कोई ना कोई जिहड़ी आ उहदे च बिल्कुल करेंगे जी, हो जांदी है। क्योंकि जिहड़ा बंदा प्लांट्स नाल खुद प्यार करदा है, जे उहनूं लगेगा कि यार सामने वाला भी प्लांट्स का प्रेमी है, तो कुछ ना कुछ जिहड़ा है एडजस्टमेंट या थोड़ा बहुत वाला बार्गिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती होंगी, क्योंकि इन्हां दी भी बड़ी मेहनत है। और बूटे जिहड़े हैं वो घर च लगाने बड़े जरूरी हैं। एक दो गल्लां आपां होर भी खान साहब नाल सांझियां करांगे। एक होर बड़े खास तरह का प्लांट बारे जानकारी दी है, किस तरह का प्लांट है ये खान साहब? ये जी स्नेक प्लांट है जी, इनडोर है जी। चक के दिखाओगे? ये देखो जी, बिल्कुल दिखाएंगे। ये देखो सबसे बढ़िया क्वालिटी जी स्नेक प्लांट है, इंडोर होता है, ऑक्सीजन प्लांट। हर हाँ जी, हर बंदा अपने घर लगा सकता है, अंदर मतलब जैसे अपा कमरे रूम राम में किधर भी लगा सकते हैं, अच्छा रहता है। कितना कॉस्ट कर दे समेत गमला? ये जी 60-70 रुपए का पड़ेगा जी, गमले समेत। हाँ जी हाँ जी। अच्छा गमला किस साइज का होगा फिर? 12 इंची 10 इंची, मतलब ये छोटे में लग जाएगा, इसमें जड़े कम होती है। जड़ा कम होती है, ग्रोथ कितनी का? ग्रोथ भी बढ़िया है जी, मतलब कि महीने में अच्छा बन जाएगा, एकदम पूरा भर जाएगा बढ़िया। कुछ एक और वैरायटीज भी ने खान साहब। खान साहब मैं जानना चाहूंगा, आ जड़ा बूटा जरा चक के दिखाओगे? हाँ जी, एक ही चीज है जी। ये जी सम्मी का बूटा है जी, दोबारा दसो। सम्मी का बूटा है जी, मतलब शिव जी का बूटा बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ जी, इसकी पूजा करते हैं, बढ़िया रहता है, मतलब आप भी करते हैं, सारे लोग को करना चाहिए, बढ़िया चीज है। ये चीज जानना चाहूंगा, हाँ जी, कि ये गमले च लग सकता है? जी गमले च लग सकता है, तो कितना बड़ा गमला इहदे वास्ते चाहिए जी? गमले में तो जी 12 इंची गमला तो बहुत है इसके लिए। 12 इंची गमला? हाँ जी, 12 इंच में लगा के 3 फुट हाइट हो जाएगी। 3 फुट? हाँ जी। जे आपां इहनूं धरती च उगाने? धरती च भी जी 5-6 फुट धरती च भी हो जाएगी। 5-6 फुट इहदे नाल नाल एक मैनूं कुछ होर जान पछाण, ये बेल पत्तर है? हाँ जी, ये बेल पत्तर है जी। दिखाओ एक बारी चक के। बेल पत्तर दा बूटा मैं तुहानूं दिखाण जा रहा, वह भी इन्हां कोल अवेलेबल है। और बेल दे जे बूटे दी आपां गल करिए, बिल जिहनूं आपां कहिंदे आपां आपां बिल खांदे आ, उहदे बड़े बेनीफिट ने। ठंडा भी हुंदा है, उहदा जे पाउडर बन जांदा है तां पिट्ठ वास्ते बड़ा वधिया हुंदा है। अच्छा इहदे इन्हां दे पत्तियां दा बड़ा आयुर्वेदिक यूज है, अजकल आपां सोशल मीडिया ते कथावां च आपां सुन रहे हां कि बड़ा इहदा। और इहदी जे आपां गल करिए, इस बूटे दी इहनूं गमले च लगाया जा सकदा है? हाँ जी, गमले च भी लगाया जा सकता है, मतलब गमले में ज्यादा हाइट नहीं होगी, जमीन च लगा दो, जमीन च मतलब 10-15 फुट हाइट हो जाएगी, बढ़िया फल देगा। और दर्शकों, खान साहब मैनू दूजे पासे लैके आए ने बहुत खास तरह का एक बूटा, और उस तो अलावा 2-3 होर जिन्हां दे आयुर्वेदिक यूज ने। खान साहब इहदे बारे मैनू तुसी जरूर जानकारी दिओ। ये जी स्टीविया है जी, ये शुगर फ्री बूटा होता है, मतलब कि इसका जैसे अपना चाय में डालेंगे, चाय अपना चाय तो रोज पीते ही, सुबह है चाय पीते हैं, तो इसको चीनी डालने की लोड नहीं है। अब मतलब गुड़ चीनी कुछ पान की जरूरत नहीं है। बड़ी अहम गल है इस बूटे बारे, मैं एक पत्ता खा के देखे, इतनी ज्यादा मिठास है, और मिठास नेचुरल है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक कप चाह दे विच मैं लगदा 2 या 4 पत्ते पा लो सफिशिएंट है? दो चार पत्ते बहुत है, ना तुहानू चीनी दी लोड़? नहीं नहीं, ते ना तुहानू किसे होर चीज दी? नहीं नहीं, ना चीनी ना गुड़ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। एक बारी नाम फिर दस दे बूटे दा। स्टीविया है जी। स्टीविया बूटे दा नाम है, और तुलसी बोलते हैं, मिट्टी तुलसी है बोलते हैं। जिथे भी तुहाडे नेड़े नर्सरी होवे, तुसी एक बारी जाके चेक करो, देखो जे तुहानू ठीक लगे तो फिर ये बूटा जरूर ले। हाँ जी हाँ जी। एक ही चीज है खान साहब? ये जी नीम है जी, इसके भी बड़े फायदे हैं जी। हाँ। इसमें अपने को अगर इसका पत्ता खाते हैं ना सुबह सुबह पत्ता, तो इसका खाना चाहिए। कितने पत्ते खाने चाहिए? 3-4 पत्ते बहुत हैं।
डेली या हफ्ते च ये भी कहा जाता है जो आप देखते हैं अजकल सोशल मीडिया से तो हफ्ते दो बार भी खा लो तो भी सफिशिएंट है। हाँ जी हाँ जी, मतलब वैसे तो रोज खाना चाहिए, इससे 72 बीमारी दूर होती है जी। वाह जी, इससे मालूम क्या चक्कर, जैसे अपन नीम है ना, दाने हो गए अपना, अंदर का जो खून का मतलब जैसे अपने खून गंदगी हो जाती है, एकदम फ्रेश खून रहता है। खून के बीच जड़ी कोई शुगर की मात्रा है हाँ जी, या कोई और उधर कमियां पेशियां ने हाँ जी, उसे खून की खराबी जी दसते हैं हाँ जी, ये इन्फेक्शन वगैरह हाँ जी, ये वो सारी चक्की जाती है, ये सारी मतलब दूर कर देती है नीम नाल। हाँ, एक और बड़ा खास बूटा जिदे बारे खान साहब सानू जानकारी देंगे। ये जी कड़ी पत्ता है जी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, मतलब आप जैसे कड़ी में भी डाल सकते हैं, कड़ी में ज्यादातर मतलब बढ़िया रहता है, इसका स्वाद भी अच्छा है, कड़ी एकदम बढ़िया बनती है। और कड़ी पत्ते दे बूटे की गल कर रहे हैं, जे आप साउथ की गल करिए, आंध्र प्रदेश की गल करिए, महाराष्ट्र की आप गल करिए, आप गुजरात की गल करिए, उत्थे लोग इनू मिठे च भी वरतते ने हाँ जी हाँ जी, और तड़के च जिस चीज नू भी तड़का लगता है हाँ जी। तुसी डोसे नाल तुहानू दो तीन चीजा मिलदियां, हर एक च कड़ी पत्ता पैंदा है, या होर बहुत सारिया शरीर दियां जिहड़ियां अशुद्धियां ने उसनू ये ठीक करदा है। की रेट है इहदा? ये जी 20 रुपए खाली रेट है इसका, सबसे सस्ता हाँ जी, 20 रुपए दा, मात्र 20 रुपए दा बूटा जिहड़ा इहनां वालों दिता जांदा है। जे तुसी नाल गमला लोगे, गमले दी तुहानू अड कीमत देनी पएगी, और जे तुहाडे कोले मान लो लान नू कोई जमीन है कच्ची, तो फिर ओहदे वर्गी तां रीस ही है नहीं। हाँ जी, जमीन में लगा सकते हो, बस 12 इंची गमला हो, मतलब कि ये 60-70 रुपए में बढ़िया तैयार हो जाएगा। जमीन चलाइए तो कितना जांदा है ये जी? 12-13 फुट हो जाएगा जी। जड़ काफी लंबी होंदी है? कम होती है जड़, मतलब जमीन में हो जाएगी 12-13 फुट, मतलब गमले में भी आप लगा सकते हो। हुण जिस तरह खान साहब दस रहे ने कि इन्हां कोल वख-वख तरह के जिहड़े पॉट ने गमले ने, उहदे शॉर्ट्स भी तुहानू असीं दिखावांगे कि आ देखो वख-वख तरह के गमले ने। किस ये जिहड़ा साइज है गमले का जिहड़ा आपां नूं हुण दिख रहा है हाँ जी, ये इहदा इहदा की रेट्स वगैरह हैगा? ये देखो जी अपना 8 इंची है जी। हाँ, बढ़िया पॉट है एकदम, मजबूती है इहदी, पूरी मजबूती है जी। और जिस तरह गमले की आपां गल कीती है, हुण एक प्लांट मैनूं बड़ा अच्छा लग रहा है, तुसीं मैं कैमरामैन नूं कहूंगा दिखाओ कि पत्ते तुसीं देख सकते हो कि बिच देखो रैड है पत्ता, ये देखो उपरला जो पोर्शन देखोगे पूरा रैड है, और दूसरे पत्ते थोड़ा जिहा येलो नेचर ग्रीन नेस है। ये बूटे नूं की कहा जाता है? ये जी लिपस्टिक प्लांट है जी। लिपस्टिक मीन्स प्लांट? जी, लिपस्टिक लेडी लांदी है वो? नहीं नहीं, वो नहीं, इसका नाम है जी। अच्छा, इसका नाम है जी लिपस्टिक प्लांट। अच्छा, मैं सोच रहा सीगा हां जी भाई, मतलब ये लाल पत्ते तोड़ो इनू घसाओ, लिपस्टिक की लोड़ है इनू लाओ तो लाली आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, मतलब ये जैसे आप अंदर लगाते हैं ना इनडोर, तो ये एकदम ग्रीन हो जाता है जी, और आप अगर बाहर लगाते हैं तो एकदम रेड हो जाएगा, ये दो कलर में हो जाता है। जिन्ना को खान साहब नाल मैं गल करके अज मैं सीखिया, मैनू पता लग्या वो ये है कि तुसी हरियाली जिस तरह की मर्जी घरे लगा लो, चाहे घा ही ला लो हाँ जी, थोड़े को थानू एक एक ऐसा एहसास अंदरों देगा हाँ जी, तुहाडा उत्थे बैठन नू दिल करेगा हाँ जी। और कोशिश मैं तो यह कहांगा, खान साहब भी खड़े ने मेरे नाल सहमत होणगे, कि आपां कोशिश करिए आपां जिहड़ा घर बनाने आपां सारा ही फर्श ना कर दईए हाँ जी, कच्चा मतलब थोड़ा बहुत तो कच्चा थोड़ा बहुत अगड़ पिछड़ आपां कोई सब्जियां ला लो, कोई पुदीना कुछ भी लाओ हाँ जी, ग्रीनरी जरूरी चाहीदी है, और थोड़े बहुते कुछ ऐसे बूटे ला लईए आपां घरे, नीम दा बूटा ला लईए आपां, कड़ी पत्ता ला लीए आपां, ऑक्सीजन नाल अजकल तो शुगर नूं ठीक करन वाले भी बूटे आ गए, जे आपां धरती च लावांगे ओह इक दरख्त बन जाएगा। अमरूद दा आपां बूटा ला लीए, अमरूद दे हजारां ही फायदे, इहदा दसको दसण दी जरूरत नहीं है। और कोशिश करो जिन्हां ने हुण घर बनाने आ आने वाले समय च, वो कोशिश करो भी जे तुसी उसनू बेड़ा अपना रख सको उस तरीके दा, तां कि खान साहब किन्ने कु सहमत हो मेरी इस गल नाल? बिल्कुल जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब अपने बीमारियां बीमारियां भी दूर रहती है, बहुत जरूरी है प्लांटिस करना, अच्छा अच्छी चीज़ है ये। हाँ, एक गल दर्शकों मैं जाते जाते जरूर साझी करांगा, कई बार खान साहब तुसी देखिया होना व्हाट्सएप ते आपां नूं कोई मैसेज आंदा है, अच्छे वाले मैसेज जिहड़े आंदे हां जी हां जी, उहदे च मेरे कोल मैसेज आया दर्शकों, मैं सारे नाल साझा करांगा। अजकल तां बच्चियां नूं टीचर्स स्कूल सरकारां सब कुछ ये चीज़ां दस रही हैं, लेकिन सानू मौका मिलिया कि असी एक तो ज़्यादा लोगों तक अपनी गल पहुँचा सकी, और खान साहब मेरे नाल खड़े ने कि 5 करोड़ के करीब हाँ जी घट तो घट हाँ जी हाँ जी भारत च ही आपां नूं दरख्तां की जरूरत है। और हाँ जी कि दरख्त आपां ला लिया जनवरी च फरवरी च मई जून च,
जे आप दरख्त बरसात चलाइए तो किमें होएगा? बरसात में जी मतलब जैसे अच्छा ग्रोथ करेगा, जल्दी हो जाएगा, सूखने साधने का भी डर नहीं रहता है। बरसात में मीमू बढ़िया पड़ेगी तो अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा, हाँ जी, खेती तैयार हो जाता है। वैसे तो आपां सारे साल जिहड़े बूटे लगाने चाहिए क्योंकि अपना वातावरण जिहड़ा है, हाँ जी, पानी की गल करिए, बरसातों की गल करिए, सारा कुछ स्वच्छ रखने वास्ते और धरती नूं बचाने वास्ते ये चीज़ां बड़ियां जरूरी ने। जांदे जांदे कुछ कहना चाहोगे खान साहब? कहूँ तो जी मैं कहना चाहूंगा कि सारे लोग बढ़िया बूटे लगाओ, मतलब अपने अपने घर में डेकोरेशन बढ़ाओ, मतलब बीमारी बीमूरी भी दूर रहेगी, हर एक चीज बढ़िया रहेगी। मतलब प्लांट के विषय में तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्लांट तो बहुत जरूरी है, हर घर पे प्लांट लगना चाहिए। और जिस तरह खान साहब ने दसिया है कि जिस तरह के भी प्लांट्स तुसी घर चलाने चाहते हैं और लाओ और इन्हों को विजिट करो, बिल्कुल फोकल पॉइंट के सामने जिहड़ा इन्हां दा है, जे सरंद रोड वालों आईए तो सज्जे पासे है, जे आपां अमन नगर वालों या यूनिवर्सिटी वालों आईए तो फोकल पॉइंट तो थोड़ा जा पहला खब्बे पासे इन्हां दी नर्सरी है। और वध तो वध प्लांट्स घरे लगाओ और वध तो वध रुख जिहड़े ने, मेरी खास तौर पर बेनती है साडे चैनल वालों भी कि वध तो वध रुख जिहड़े ने इन्हां दो महीनों च आपां लाईए। वैसे तो आपां नूं सारे साल ही रुख लाने चाहिए ता कि अपना पानी और इस धरती नूं बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते हुए उही रिक्वेस्ट है कि साढ़े इस चैनल में वो तो वो सबसक्राइब करो, लाइक करो। नमस्कार।